हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम योजना शुरू की, लेकिन उसके बाद कई जगहों से विरोध की खबरें आनी शुरू हुई और अब इन खबरों ने रफ्तार पकड़ ली है। आज हल्ला बोल में इसी पर लेंगे आपकी राय। तो आप हमें फोन करिए और बताइए मेरा पानी मेरी विरासत सरकार के इस योजना से कितना फायदा होगा, कितना होगा नुकसान, आपको क्या लगता है? ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, इनका विरोध ठीक है या गलत है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना कितनी लाभकारी है? क्या धान किसे फसल न बोने से धान की फसल न बोने से फर्क पड़ेगा? जल स्तर जो कम हो रहा है उसमें धान की खेती न करने से कितना फायदा होगा? किसानों की समस्याओं का समाधान कब होगा? प्रदेश में घटते भूजल स्तर को लेकर सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना का विरोध जारी है। इसको लेकर किसान लगातार रोष व्यक्त कर रहे हैं। किसान इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसान को अपना कर्ज उतारने के लिए धान की खेती करना जरूरी है। जिस भूमि पर वो धान की खेती करते हैं उस पर दूसरी फसल पैदा नहीं हो सकती। किसानों ने सरकार द्वारा धान की खेती नहीं करने पर 7,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर कहा कि इससे किसानों की भरपाई नहीं हो सकती। किसानों के साथ विपक्षी नेता भी सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सरकार द्वारा धान लगाने पर प्रतिबंध व दादूपुर नलवी नहर बंद करने के खिलाफ कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में धरना देने पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी और व्यापारी विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार ने अगर किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि 2,67,664 एकड़ भूमि पर धान की खेती नहीं लगाने का प्रतिबंध सरकार का षड्यंत्र है और हुक्मनामा है। साथ ही यह भी कहा कि धान लगाया तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान नहीं खरीदा जाएगा, यह तो सरासर गलत है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना कितनी लाभकारी है, यह सवाल है। क्या धान की फसल न बोने से फर्क पड़ेगा? कम होते जल स्तर पर धान पर रोक क्यों? किसानों की समस्याओं का समाधान कब होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, किसानों से जुड़े सवाल हैं, और क्योंकि किसान विरोध कर रहे हैं मेरा पानी मेरी विरासत का, आपकी क्या राय है? आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी राय साझा कर सकते हैं। किसानों का ये विरोध कितना जायज है? कुलदीप हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बोलिए कुलदीप जी। सर ये बार बार लट दे रहे हैं भाई, धान ना लगाओ धान ना लगाओ। ये जो ठेकर 45,000 रुपए किलो लिए हुए हैं, इनकी भरपाई कहां से पूरी करेंगे? तो आपके हिसाब से ठीक नहीं है? हेलो, बोलिए कुलदीप जी, अपनी बात पूरी करिए। ये 45,000 रुपए ठेकर किलो जमीन ले रखी है, इसकी भरपाई कहां से पूरी करेंगे? ये तो खट्टर ने तो कह दिया धान ना लगाओ धान ना लगाओ, उसके कहने से हो जाएगा समाधान जी? चलिए शुक्रिया आपका। कुलदीप इसका विरोध कर रहे हैं किसान हैं, और ये कह रहे हैं कि ठेके पर जो जमीन ली है इतनी महंगी, उसका कैसे कर्ज चुकाएंगे वो? रमेश कुमार है गुरुग्राम से हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए रमेश जी। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये हैरान हो गया हूँ ये हरियाणा सरकार से। अब ये सोचिए जो किसान जो है जिसका व्यापार चावल से है, अब ये उसको बंद करने जा रही है। साहब देखो कितना अत्याचार हो रहा है किसानों के ऊपर, ये बात जायज नहीं है।
और तरफ से कह रहे हैं कि कंपनियों को बुला रहे हैं बाहर से, किधर से ये कंपनी बंद कर रहे हैं। देखो साहब कितना जुल्म हो रहा है, क्या सरकार की आखिर मग हुई पड़ी है। नंबर दो सर, आपने कल एक पॉइंट दिया था कि पुलिस के ऊपर कोई बोलता नहीं है। सर इसमें एक पॉइंट और है, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था जब कुछ हेलो बोलिए बोलिए सुन रहे हैं आपको। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि कोई रिश्ते में झगड़ा हुआ था तो उसने ये कहा था पुलिस क्या कर रही थी। तो सर आप दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर में जो है ये लोगों ने पत्थर किए हैं तो उसे पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस को इतनी पावर नहीं है कि फोन कर पूरी बिटरे बुला ले, चारों तरफ घेरा कर दे, सबको अरेस्ट कर ले, अब दिमाग ठीक हो जाएगा। ये तो नहीं है पुलिस को बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी, एक बार परमिशन मिलेगी वही काफी होती है साहब जी। चलिए शुक्रिया आपका रमेश जी, आपकी नाराजगी है इस बात को लेकर कि धान की खेती पर रोक लगाना ठीक नहीं है, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना का विरोध ये जो लोग कर रहे हैं ये क्यों है और ये योजना कितनी लाभकारी हो सकती है, क्योंकि लगातार ये हम जानते हैं कि भूजल स्तर गिरता जा रहा है और उसको बेहतर करने के लिए ये जरूरी है कि उन इलाकों में धान की फसल कम उगाई जाए। सरकार की योजना मेरा पानी मेरी विरासत, इस पर जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है उस पर आज आपसे कर रहे हैं बातचीत। आप बताएं हमें फोन करके कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना कितनी लाभकारी आपको लगती है और कितनी जरूरी है ये, क्योंकि भूजल स्तर जो गिर रहा है वो एक कंसर्न, वो एक चिंता का विषय हम सब के लिए होना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच किसानों के फिक्र को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है और किसानों की जो फिक्र है, किसानों की जो चिंता है उस पर राजनीति शुरू हो गई है, तेज हो गई है। विपक्ष भी मेरा पानी मेरी विरासत योजना का विरोध कर रहा है और किसान भी कई जगहों पर काले झंडे लेकर धरने पर बैठे नजर आए। अरविंद है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए अरविंद जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। देखो जी जैसे पानी क्या है ये उसमें तो धान तो बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ नमस्कार जी। जी बोलिए सर। हेलो नमस्कार जी। अरविंद जी आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए अपनी बात रखिए। तो ये कह रहे कि जैसे जहाँ पानी का एरिया वहाँ पे तो धान रखने चाहिए और जो पानी का एरिया नहीं है वहाँ तो मान लो और फसल भी हो सकती है। तो आप ये बताओ जैसे जमींदार हम हमारे बच्चे कंपनियों में काम कर रहे हैं वहाँ से सैलरी नहीं मिल रही, हम अपना जमींदार नहीं करेंगे पर क्या करेंगे बताओ। जमींदार को तो ये खेती दिखती है जी, अपनी खेती में काम करते हैं करते हैं, जैसे 7,000 रुपए एकड़ बोल रहे हैं तो 7,000 एकड़ में क्या फायदा है ये बताओ, ज्यादा पैसे बताओ। उसमें आदमी ये भी सोचे कि वो पैसे बदे हैं कुछ अपनी फसल का लगाएंगे, कुछ बच्चों के लिए खाने खुने का इंतजाम करेगी। पहले लॉकडाउन चल रहा हुआ ऐसे पहले कुछ बता रही जमींदारों को। हाँ जी चलिए शुक्रिया आपका अरविंद जी, अपनी बात आपने साझा की हमारे साथ जुड़ के। उषा भंडारी हैं अगली कॉलर हमारे साथ, बोलिए उषा जी। सोनीपत से मैं उषा भंडारी जी, सोशल एक्टिविस्ट बोल रहे हैं। जी मैम बोले। खेती से मेरा कोई कंसर्न नहीं है लेकिन ये जो सीएम का पानी बचाओ, पानी बचाने के और बहुत तरीके हैं, जिनकी फसल चावल का एरिया है जो वहाँ चावल की फसल ही लग सकती है उन पर ये बैन नहीं होना चाहिए जो धान लगाए जी। ये बहुत गलत है और ये बहुत जो है इसको डिक्टेटरशिप वाला रूल कहा जा सकता है। ये किसानों की अपनी मर्जी है कुछ भी लगाए, वो पानी को और तरीके से बचाए, इतना पानी वेस्ट होता है उस पर ध्यान नहीं देती सरकार। लोगों ने बिना सबमर्सिबल लगाए हुए हैं और उसको कोई चेक नहीं करता, पानी बहाने का इतने हम लोग पानी चेक करने के लिए जगह जगह लगे रहते हैं, कहीं भी देखते हैं पानी वेस्ट है, हम पानी बचाने के ध्यान चलाए रखते हैं
जी लेकिन सरकार को ये रोक नहीं लगानी चाहिए धान ना बोए। जी शुक्रिया उषा जी आपका। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि सरकार की ये जो योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, उसे कितना लाभ होगा, क्योंकि भूजल स्तर जो गिर रहा है उसको रोकने के लिए क्या धान की फसल कम लगाना ये एक समाधान हो सकता है उस दिशा में, और ये कितना जरूरी है, आप हमारे साथ जुड़ के साझा करिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए कि आपका क्या है इस पर कहना। हल्ला बोल में किसानों की परेशानी आज हम उठा रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं और इस पर विपक्षी निशाना साध रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो लगातार विरोध नजर आ रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने भी विरोध जताते हुए धरने पर वो भी बैठे। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।